बरेली में कूड़े के ढेर में मिली पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा। आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेसी नेताओं ने प्रतिमा को ढूंढ निकाला। खबर बरेली से, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाए जाने के बाद पिछले चार दिनों से कांग्रेस के नेता गांधी प्रतिमा के पास में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं को जानकारी मिली कि मिशन कंपाउंड में कूड़े के ढेर में पंडित नेहरू की प्रतिमा पड़ी हुई है, जिसके बाद अनशन से उठकर कांग्रेसी नेता मिशन कंपाउंड पहुंचे और यहां पर मूर्ति को ढूंढ लिया है। अब कांग्रेस नेता चौकी चौराहे पर प्रतिमा को स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नेहरू जी का ये अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नेहरू जी का ये अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए किस तरीके से भारत रत्न का अपमान है, भारत का अपमान है। देखिए शर्म की बात है, मुझे तो ये लग रहा है इस सरकार को हो क्या गया है, बरेली के प्रशासन को क्या हो गया, जिसने अपने देश इस देश के खातिर सारी अपनी संपत्ति इस देश के नाम कर दी, देश आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत वर्षों तक जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, कितने वर्षों तक इस जेल के अंदर रहे यहाँ पर, और ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रथम प्रधानमंत्री देश के, भारत रत्न प्राप्त हमारे प्रधानमंत्री जी की आपने मूर्ति देखी किस तरीके से रातों रात हटाकर किस तरीके से घूरे पर यहाँ पर डाल दिया है, ये कहीं ना कहीं कितना बड़ा अपमान है। ये हिंदुस्तान कभी भी यहाँ के देश को बनाने वालों के लिए, देश को सींचने वालों के अपमान को कभी नहीं सहेगा। ये सारे देश के भारत रत्न का अपमान है, ये सारे देश के जो लोग हैं उनका अपमान है, सारे लोगों का। हम लोग आप नेहरू जी को लेके जा रहे हैं और स्थापित करेंगे। सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने नेहरू जी की प्रतिमा की पुनर्स्थापना के लिए 5 तारीख से अपना आमरण अनशन जारी कर दिया है। 72 घंटे से ऊपर बीत गए हैं, बेशर्म प्रशासन, बेशर्म नगर निगम, बेशर्म नगर प्रमुख ये जवाब नहीं दे रहा था कि मूर्ति किस संस्था ने हटाई है, मूर्ति किस संस्था को लगानी है, कार्यदायी संस्था कौन है, नेहरू जी आखिर हैं कहाँ, मैं उन्हें खोज ही नहीं पा रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था। कल शाम को नेहरू जी ने चेतना से आवाज़ दी कि मैं बहुत ही गंदी जगह पड़ा हुआ हूँ। उसके बाद खोजना शुरू किया तो यहीं जहाँ चौकी चौराहा है वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर कूड़े के ढेर पर नेहरू जी को डाल के भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी का ये अपमान किया जा रहा है। शुद्ध देशद्रोह का मुकदमा है ये, वैधानिक कार्यवाही भी करेंगे और नेहरू जी को यहाँ से ले जाके सम्मान उसी चौराहे पर स्थापित करेंगे। कल की रात कैसे बीती है बता नहीं सकते, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी अंग्रेजों से जिन क्रांतिकारियों ने, कल मुझे सच में वो एहसास हुआ कि क्रांति होती क्या है, अनशन होता क्या है। लेकिन यद सच्चे मन से आज मुझे 72 घंटे हो गए हैं अन्न त्यागे हुए, सिर्फ किसके लिए, भारत रत्न नेहरू के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि 72 घंटे से लगातार भूखे रहने के बाद भी हमारी लड़ाई जारी रही और आखिर नेहरू जी को खोज लिया है, और अब इस बेशर्म प्रशासन से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कल से जूस पी लो, हम नेहरू जी को स्थापित करेंगे, अपने हाथों से स्थापित करेंगे। हमारे क्रांतिकारी साथी मिर्जा अशफाक सकलेनी हमारे साथ हैं, हम लोगों ने 72 घंटे से कुछ नहीं खाया है, इससे बड़ी कुर्बानी देश के लिए इन लोगों ने दी थी। कहाँ मिली आपके लिए, यहीं पर रखी हुई है, कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई है, निजी प्रॉपर्टी है, किसकी ये प्रॉपर्टी है मुझे नहीं पता, जो बताई है मेरी प्रॉपर्टी उस पे मैं मुकदमा लिखाऊं, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कूड़े के ढेर, ये मिशन कहलाता है, मिशन कंपाउंड है, ये मिशन कंपाउंड का ये कूड़े का ढेर है, मिशन कंपाउंड के, अब मिशन का मालिक कौन है, मिशन किसके किसके कब्जे में है, मैं पता करूंगा। मीडिया के साथियों से अपील करता हूं कि पता करिए, क्या सत्ता में बैठे लोगों से तो कोई मेल जोल नहीं है इस जगह का। कल मेडिकल शाम को कराया गया था और वो भी खाना पूरी थी, जो चेक करने आया था उसके पास शुगर की स्ट्रिप नहीं थी, बीपी चेक करने के बाद बताया कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, ठीक है, हमें जान देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों का, अपने भारत रत्न का, अपने प्रथम प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेहरू जी का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नेहरू जी का ये
आप देखिए, जब से हमारा देश 1947 से आजाद हुआ उसके बाद आज तक किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की ऐसी बेइज्जती नहीं हुई जैसे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की लोकल सरकार ने की। आप इस बात को देखिए कि ये कूड़े पे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कमाया हुआ सारी चीजें देश को दान दे दी, क्या ऐसे रखने का तरीका था? इसकी देखरेख कौन होती है? ऐसे लेटाल दिया जिनने देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी हो और आप कूड़े के ढेर में लेटाल दें। मैं कहता हूं कि खुद इनके खिलाफ संज्ञान लेके सरकार को मुकदमा करना चाहिए। पिछले 8 महीने से हमें नहीं बताया जा रहा था कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की ये प्रतिमा कहाँ है? वो तो हमने खोजी और हम इसे ले जाएंगे और खुद स्थापित करेंगे।